गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से चैप्टर नंबर टू। गोदावरी महानदी कृष्णा एंड कावेरी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इन टू द बे ऑफ बंगाल, है ना। गोदावरी महानदी कृष्णा एंड कावेरी नदी वेस्ट से क्या होती है, निकलती हैं और ईस्ट में बहते हुए बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में क्या होती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। द रीजन इज डेट द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। इसका एक कारण क्या है कि जो डेक्कन का पठार है, जो डेक्कन का पठार है क्या है, वो ईस्ट से वेस्ट से क्या ईस्ट में क्या है, वो स्लोप है ना। स्लोप होने के कारण जो भी नदियाँ निकलती है वो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट में चली जाती हैं, है ना। सीज दिस रिवर आर नॉट फेड बाई द मेल्टिंग स्नो, है ना। उसमें बहुत सारे मेल्टिंग स्नो है, बहुत सारे बर्फ क्या होती हैं, पिघलते हैं, जिससे नदियाँ क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। दे ऑफन ड्राई अप ड्यूरिंग समर्स, है ना। गर्मी के दिनों में क्या हो जाती हैं, वो सूख जाते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग, देखो द लैंड इन द डेक्कन प्लेट्यू इज अनइवन एंड देयर फॉर द रिवर्स फॉर्म अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, है ना। बहुत सारी नदियाँ निकलने के कारण क्या होती है, बहुत सारे झरने का निर्माण करती हैं, ठीक है। द जॉग फॉल ऑन द रिवर सरावती इन कर्नाटका आर द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो जॉग फॉल है वो कौन सी नदी में बनती है, सरावती नदी में बनती है और ये कर्नाटका में स्थित है। ये पूरे भारत का क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल है, मतलब सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा झरना जॉग झरना है, ठीक है। ये सरावती नदी में बनती है और कर्नाटका में स्थित है। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स। जो बांध बना हुआ है, बहुत सी नदियों में क्या होता है, बांध बना हुआ होता है। द मेटर डैम ऑन द कावेरी इज द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया। देखो मेटर डैम, मेटर का बांध है ना, मेटर बांध है, वो कौन सी नदी में बनी हुई है, कावेरी नदी में बनी हुई है, जिससे हमारा बहुत सा क्षेत्र क्या होता है, सिंचाई बहुत सारे क्षेत्र में सिंचाई कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और ये लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट मीन्स होता है परियोजना। अदर फेमस डैम्स आर, देखो बहुत सारे प्रसिद्ध डैम और भी हैं बांध, जैसे कि नागार्जुना सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा एंड द हीराकुंड डैम ऑन द रिवर महानदी। नागार्जुना सागर बांध कौन से नदी में बनती है, कृष्णा नदी में बनती है और हीराकुंड डैम महानदी में बनती है। दीज डैम्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू द नेबरिंग एरिया। जो बांध है ना, उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं और दूसरे पड़ोसी एरिया को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है, द डेक्कन प्लेट्यू खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग लाइव इन द साउथर्न, है ना, साउथर्न प्लेट्यू, लाइव इन द साउथर्न। लाइफ इन द साउथर्न प्लेट्यू, है ना, साउथर्न प्लेट्यू में रहने वाले, जो दक्षिण पठार में रहने वाले हैं, उनके जीवन यापन देखते हैं। देखो द मालवा प्लेट्यू इंक्लूड पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। जो मालवा का पठार है वो कौन कौन सी स्टेट में फैला हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, फैला हुआ है। सम इम्पोर्टेंट सिटीज, कुछ इम्पोर्टेंट शहर जैसे कि ग्वालियर, इंदौर और भोपाल क्या है, इस क्षेत्र में आते हैं, मालवा के पठार में ग्वालियर, इंदौर और भोपाल आते हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूड्स मच ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़, है ना। छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से स्टेट आते हैं, झारखंड आते हैं, उड़ीसा का कुछ भाग आता है, बिहार और छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर पठार में आते हैं। पन्ना इन मध्य प्रदेश हैज डायमंड माइंस। देखो पन्ना एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर हीरे का खदान पाया जाता है, डायमंड माइंस है ना। द पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट आर ए होम ऑफ मैनी ट्राइब्स, है ना। द पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर कवर्ड, छोटा नागपुर का जो भाग है वो क्या करता है, छोटा नागपुर के पठार में बहुत घने जंगल है जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग, ट्राइबल्स, है ना, क्या करते हैं, निवास करते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो डेक्कन का पठार है ना, वो कौन कौन सी स्टेट को कवर किया हुआ है, मध्य प्रदेश को कवर किया है, छत्तीसगढ़ को कवर किया है, उड़ीसा को कवर किया है, महाराष्ट्र को कवर किया है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये जितने भी स्टेट हैं ये सब क्या होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू दक्षिण का पठार में आते हैं, ठीक है। डेक्कन पठार में आते हैं। इस तरह से हमारा क्या होता है, द साउथर्न प्लेट्यू क्या होता है,
कंप्लीट होता है, प्लेटियो मीन्स होता है पठार, है ना। दक्षिण का पठार के बारे में पढ़े हम लोग। ये दक्षिण का पठार क्या होता है, भारत के दक्षिण भाग में है, जो पूरे आधा से ज़्यादा को क्या करता है, भारत के कवर, भारत के क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।